पार्टी को हमने मार्च में ही लॉन्च कर दिया है और हमारा उद्देश्य है कि निषाद समाज ग्रह का अधिकार के लिए पूरे भारत में काम करना। अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड हमने आया है। आज प्रदेश कमेटी का हमने नाम का घोषणा किया है और आने वाले समय में प्रदेश कमेटी अपने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे, जैसे हमने बिहार में किया। इस तरह से ये झारखंड की राजनीति में अपनी एंट्री करेंगे। सनी जी, झारखंड आए हुए हैं आप, यहाँ आपने घोषणा की कि पार्टी का विस्तार हो रहा है, क्या कुछ खास? पार्टी तो हमने मार्च में ही लॉन्च कर दिया है और हमारा उद्देश्य है कि निषाद समाज ग्रह का अधिकार के लिए पूरे भारत में काम करना। अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड हमने आया है। आज प्रदेश कमेटी का हमने नाम का घोषणा किया है और आने वाले समय में प्रदेश कमेटी अपने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे, जैसे हमने बिहार में किया, और उसी तरीके से संघर्ष करेंगे। और अब जैसे बिहार में हमारे सहयोग से सरकार बना, उसी तरीके से हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे भी हम मजबूत हो, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक नाम से हम लोग पहले से ही कई सालों से 5 साल से काम कर रहे हैं, निषाद विकास संघ के नाम से, और सभी संगठन से भाईचारा बना के रखे। आज सभी संगठन आज वीआईपी पार्टी के दामन को थामे हैं और वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के लिए काम करेंगे। और लक्ष्य वही है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं? तो इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और गरीब पिछड़े समाज से हम आते हैं और गरीब पिछड़े की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह के बाधाएं डालते हैं, लेकिन हम तो हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है संघर्ष करने के अलावा। तो संघर्ष करके सफलता जैसे हमने बिहार में प्राप्त किया, वैसे यहाँ पे भी प्राप्त करेंगे। जो फार्मूला हमने बिहार में लगाया, खास करके निषाद समाज के सभी कुरी, दीन दिलदार, नुनिया मला, निषाद के जो 22 कुरी है, उसको एक जगह कर लेना, अपने वोट बैंक को एक जगह कर लेना, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री को भी अगर बनना है तो वोट चाहिए। अब वोट हमारे पास है, एक विधायक को, एक सांसद को, एक मुखिया को वोट जब प्राप्त होगा तो ही वो विधायक, मुखिया या सांसद बनेंगे। तो वोट मेरे पास है, तो जाहिर सी बात है गठबंधन की राजनीति होता है। 7-8 लाख वोट हम आने वाले समय में लाकर दिखा देंगे कि हमारे पास कैसे है। बड़े बड़े हमने रांची से लेकर पूरे प्रदेश में हम रैली करेंगे, संगठन को विस्तार करेंगे, और जिनको सत्ता चाहिए, मंजिल चाहिए, वो निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी के साथ आएंगे, जैसे बिहार में आए। कभी निषाद को बिहार की बात आपने की, आपने कहा कि बिहार के फार्मूले के आधार पर काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो आपका फार्मूला रहा उसमें आपकी नाव डूब गई। झारखंड में क्या होगा? डूबा नहीं, डुबाया गया, डूबा नहीं, हम तो अच्छे से चला रहे हैं। जो लोग नाव पे था, नाव सवार था, वो मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और अगले को दिखा दिए। आज देश में देखिएगा तो ऐसी ताकत एक जन्म ले चुका है कि लोकतंत्र पर उनको भरोसा नहीं है। अब 100-100 करोड़ रुपए में, 150-150 करोड़ रुपए में विधायक को खरीदा जा रहा है, तो बताइए कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। तो हमें नाव को वहां पे डुबाया है, जो हमें नाव को डुबाया है, तो निश्चित तौर पे हम गरीब पिछड़ा का बेटा है और हमारे साथ इस तरीके से लोग करने वाले हैं और कर रहे हैं, और वही हमारे गरीब पिछड़े लोग उनको आने वाले समय में न्याय करेंगे। गलत करने वाले तो गलत करते हैं, लेकिन जज साहब है ना, वो सजा देते हैं, वैसे ऊपर में भगवान भी, वो भी देखते हैं। तो आने वाले समय में जब हमारे जज जो है वो हमारा समाज है, वो आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे जहाज को किसने डुबाया, क्यों डुबाया, तो उसको सजा देंगे। और एक ऊपर में भी है, ज्यादा दिन ये नहीं चलेंगे, दुनिया में सिकंदर नहीं चले, ये आपके हिटलर नहीं चले, तो फिर कौन चलने वाला है? ठीक है, तो लोग हमारे साथ गलत करते रहेंगे, लेकिन अब कल 4 था इसलिए ऐसा हो गया, जब 40 होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो समय का इंतजार है और मजबूती से जो लोग हमारे साथ गलत किया उसका भी ब्याज के साथ हिसाब लिया जाएगा, और हमने लिया, बोछा में दिखा दिया कि आपकी ताकत क्या है, आपकी हैसियत क्या है। जो सीट हमने 2020 में 12,000 वोट से जीते, वो सीट इस बार 37,000 से आप हारे हो। आपकी हैसियत ये है, ताकत ये है। मेरी ताकत ये है कि अकेले 30,000 वोट हमने लाया, 18% वोट आया, और आप पूरे एनडीए मिलकर आप 45,000 वोट नहीं लाया, 27% वोट में रह गए, तो आपसे हम 10% में वोट में कम है। तो मजबूती से हम लोग काम करते रहेंगे और आपसे हम कम नहीं है, और हम अकेले लड़ रहे हैं। तो ये जब पिछड़ा दलित की बात होगा तो उनके साथ लोग नाइंसाफी करेंगे। आज लोग सिर्फ चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं, अंदर से काम कुछ और ही करते हैं, तो ये सब पे भी समय आएगा, बात होगा। लेकिन अभी हम अपने लोगों को जो फार्मूला में बिहार में नाव के साथ जोड़े, निषाद को हम लोग वो कुल खानदान चाहते कि श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाए, वही नाव यहाँ है। नाव डूबने वाला कभी नहीं है, अगर नाव उस समय अगर डूब जाता तो परले आ जाता, तो नाव कभी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी इस नाव पे पैर रख चुके हैं और चल चुके हैं, और कुछ लोग तो उसके नाम को लेकर सहारा आगे बढ़ रहे हैं, और वो तो साक्षात हम लोग उस कुल खानदान से आते कि प्रभु श्री राम को हम लोग नाव पार किए हैं और उतराई भी नहीं लिए थे। तो वो समय आएगा तो देखिएगा कि नाव कितने तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जो लोग गलत करने वाले वो लोगों को इसका भी सजा मिलेगा।
मुकेश जी भी हाल में अपने लालू जी से मुलाकात की है स्वास्थ्य के लिए, लालू प्रसाद जी, तो क्या लगता है कि आगे कोई आप फिर घर वापसी करेंगे, पुराने घर की ओर फिर जाएंगे, क्या लगता है आने वाले भविष्य में क्या? देखिए, लालू जी को जब से हमें होश आया तब से उनको हम मान रहे हैं, कभी उनको हमने कभी अपने से अलग नहीं समझा रहा कि हमारी पार्टी है, पार्टी का अपना एक विचारधारा है और पार्टी को अपने विचार को आगे पहुंचाने के लिए सत्ता सिस्टम पे पहुंचने की आवश्यकता है और उसके लिए हमने पहुंचा। तो लालू जी को हमेशा हम आदर्श मानते रहे। आपने देखा होगा कि हम मंत्री रहते हुए भी हमेशा हमने मुखर होकर कहा कि लालू जी हमारे दिल में रहते हैं, तो आज भी हमारे दिल में रहते हैं और वो नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे दिल में ही रहेंगे। तो अभी तबीयत उनका अस्वस्थ है, इसके लिए हमने दिल्ली में कल जाके उनसे मुलाकात किया, आशीर्वाद लिया और काफी उम्र भी हो चुके हैं तो उनसे हमारा हमेशा भी पहली बार हमारा आप देखेंगे एनडीए यूपीए में हमने रांची में भी आके उनसे मुलाकात किया था तो हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और सिर्फ एक औपचारिक था कि उनसे मुलाकात करना, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, उनका दर्शन करना था, वो मैंने किया है। राजनीति भविष्य में देखा जाएगा कैसे क्या है, खास करके जो विचारधारा उनका है वही विचारधारा हमारा भी है। कुछ घर में मतभेद होता है तो दो भाई अलग हो जाते हैं, जब दोनों में समझदारी होगा तो दोनों एक होंगे, जब तक समझदारी नहीं होगा तो दोनों अलग रहेंगे। मुकेश जी अगर एक लाइन की बात करें तो झारखंड की जो मिट्टी है, झारखंड की जो जमीन है, उसको उर्वर करने के लिए एक लाइन में क्या फॉर्मूला है? एक लाइन में ही है, देखिए पार्टी के साथ आस्था विश्वास निषाद के समाज के सभी उपजाति बिंदलदार नुनिया मला सब जा रखे हैं और सब अपने अपने जवाबदारी को समझेंगे। किसी ने 75 साल हो गया आजादी के, कभी किसी ने एक टिकट तक नहीं दे रहा। आप देखिए कि इतना बड़ा प्रदेश में इतना बड़ा आबादी हमारा रहने के बाद भी चाहे एनडीए हो या यूपी हो एक टिकट तक नहीं देता है। तो यहाँ पे सबको पता है, एक कोई थाना में एक दरोगा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पैरवी समझने वाला नहीं है और गलत कोई और करते हैं हमारे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देते हैं। तो उनकी बात को सुनने के लिए यहाँ के लोग खुद परेशान हैं कि हमारे बात को सुनने के लिए हमारे अपने लोग चाहिए। तो हमसे ज्यादा प्रयास इन लोग करेंगे कि यहाँ पे कैसे अपनी जमीन को बनाएंगे, अपनी ताकत को बनाएंगे। मुझे लगता है कि एक हमने प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ पे जितने भी पार्टी के अंदर राजकुमार जी है, सज्जू केवर जी है, सब मजबूती से पार्टी को विस्तार करेंगे और चुनौती है लेकिन हम इसको सामना करेंगे। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।